ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना था। उम्र तो छोटी थी लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे, और जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती गई साथ साथ उसके सपने भी बड़े होते गए। और कुछ ही दिनों के बाद उस लड़के ने एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी, उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगा और भी प्रॉफिट कमाने लगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। सब लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे, उस क्षेत्र का वो सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनको नीचे गिरने का भी उतना ही ज़्यादा डर लगा रहता है। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से उस लड़के के उल्टे दिन की शुरुआत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद कंपनी लॉस में जाने लगी, कांटे में चलने लगी, और देखते ही देखते वो लाखों रुपये के कर्जे में डूब गया। उधार लेने वाले लोग अब उनके घर आने लगे। वो बहुत परेशान हो गया, अब क्या करूं? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उधारी वाले उनको मारने की धमकी देने लगे थे, और परेशान होकर उस लड़के ने सोचा कि मैं रहूंगा ही नहीं तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, और उसने आत्महत्या करने के बारे में सोच लिया। और वो लड़का मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर सो गया। तभी वहाँ से एक अमीर आदमी निकला, सूट बूट पहना था। तभी उस लड़के को देखा और कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों यहाँ पर मरने के लिए पड़े हो? क्या समस्या है तुम्हारी, मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर पाऊँ? तो वो लड़का भड़कता है, वो गुस्से में कहता है, अरे अंकल आप अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो और मुझे मेरा काम करने दो। मैं 10 लाख रुपये के कर्जे में डूबा हुआ हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? जाओ जाओ आप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। तभी वो अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए जेब में से एक चेकबुक निकाली और 10 लाख रुपये का चेक लिखकर उस लड़के के हाथ में रख दिया। वो लड़का आश्चर्यचकित हो गया कि आप मुझे जानते तक नहीं हो और ना मैं आपको जानता हूँ, इसके बावजूद भी आप इतने सारे अमाउंट मुझे क्यों दे रहे हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तब वो अमीर आदमी ने कहा, बेटा ये चेक रख लो और फिर से अपनी कंपनी की शुरुआत करो, जब तुम प्रॉफिट कमाने लगो तो मुझे मेरा पैसा ये वापस कर देना। तब वो लड़के ने कहा, ठीक है मैं 1 साल में आपका पैसा ये वापस कर दूंगा। तब वो लड़का खुश होकर घर जाता है और सोचने लगा कि अब कोई टेंशन नहीं, सारा कर्जा चुका दूंगा। घर जाकर वो लड़का चेक की ओर देखता है और सोचता है कि एक अनजान व्यक्ति है जो मुझे जानता तक नहीं है फिर भी मेरी मदद कर रहा है, और मैं जो हूँ वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। और उस लड़के ने सोचा कि मैं अब इस चेक का इस्तेमाल ही नहीं करूँगा। वो लड़के ने अपने आप से एक वादा किया कि मैं फिर से मेहनत करूँगा, फिर से अपने पैसे कमाऊँगा और फिर से अपनी मंजिल पाऊँगा। और उस लड़के ने कुछ यही किया, उसने इस चेक को एक संदूक में रख दिया और मेहनत करना चालू कर दिया, और देखते ही देखते उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई, सारा कर्जा भी चुका दिया और 1 साल भी हो चुका था। वो लड़का बहुत खुश था और बहुत एक्साइटेड था कि वो उस अमीर आदमी को मिलने वाला था और बताने वाला था कि मैंने आपके इस चेक का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने अपने आप पर भरोसा किया और फिर से मैंने इस कामयाबी हासिल कर ली। और वो आदमी से मिलने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद वो लड़का अमीर आदमी को आते हुए देखता है और वो खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो लड़के ने एक अजीब सा दृश्य देखा, देखा कि कुछ लोग एम्बुलेंस में से नीचे उतरे और दौड़कर उस अमीर आदमी को पकड़ लिया। तभी वो लड़का ने आवाज़ दी, चिल्लाया कि ओ भाई साहब अब क्यों इस इंसान को पकड़ कर ले जा रहे हो, ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत धनिक है। तभी कंपाउंडर ने कहा, ये कोई धनिक बनिक नहीं है, ये तो पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है, सबको ऐसे ही चेक देता रहता है। ये बात सुनकर उस लड़के को बहुत बड़ा झटका लगता है। यदि इस लड़के ने उस दिन खुद पर भरोसा ना करके अगर चेक का इस्तेमाल किया होता तो इस लड़के का क्या होता, जरा सोचो। ये लड़के ने अपने आप पर भरोसा किया और इसीलिए उसको फिर से कामयाबी मिल गई। ऐसे ही हमें भी अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। सिर्फ बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।